सैकड़ों वर्ष से विवादित था ये स्थल। न्यायालय ने एक समाधान दिया, निर्णय दिया। उस निर्णय के अनुसार वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ, प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो राम मंदिर के संबंध में या परमात्मा श्री राम के संबंध में किसी भी सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी को या राम भक्त को कहाँ कोई आपत्ति है। अच्छा, प्रसन्नता का विषय है तो होना ही चाहिए ना। बहुत समय पहले यह काम हो जाना था जो आज संपन्न होने जा रहा है, तो सभी को प्रसन्नता है इस विषय में। जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य ने तो अभी निश्चलन में सरस्वती जी वो कह रहे हैं विधि विधान से नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि वो नहीं भी जा रहे हैं। क्या विचारों शंकराचार्य जी जो है बात हुई और नहीं जाने की बात जो है वो तो चारों शंकराचार्य ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होने वाली है और हम लोगों के साथ भी काफ़ी लोग जाते हैं, भक्त लोग भी होते हैं और नियम भी होते हैं कितने लोग किसके साथ जाएंगे। तो वहाँ की व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो तो उस कारण से, लेकिन बाद में सब दर्शन करने के लिए जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं जाएंगे। चार विधि विधान की जहाँ बात है, चारों शंकराचार्य एक हैं, आपस में किसी का कोई मतभेद नहीं है ना मनभेद है। धर्मशास्त्र के अनुसार चलने के लिए ही चलाने के लिए हिंदू धर्मावलंबियों को विधि और निषेध शास्त्र की मर्यादा का पालन कराने के लिए ही तो आचार्य पद हैं। चारों शंकराचार्य हैं और उनके बाद जो और भी आचार्य हैं संप्रदायों के, उन सबका यही कर्तव्य है कि शास्त्र विधि का पालन हो, स्वयं भी करें और दूसरों से भी करवाएं। शास्त्र विधि का पालन हो, विधि विधान का पालन हो, आप लोगों के साथ कैसे होना चाहिए था प्राण प्रतिष्ठा या जो तारीख तय है, जो भी तरीके से हो रहा है। कभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो निर्माण है वो अधूरा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अब वहाँ के जो पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी महाराज, उन्होंने कहा है कि पूरा हो गया है। वास्तविकता क्या है वहाँ के रहने वाले ही जानते हैं, आप भी नहीं गए हैं और हम भी नहीं गए हुए हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ के जो सत्येंद्र दास जी पुजारी हैं वो काफ़ी बहुत दिन से हैं, हम लोगों के परिचित हैं, अच्छे संबंध हैं। तो जब हमारे गुरुदेव जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने वहाँ अयोध्या में आंदोलन किए थे, राम जन्मभूमि की परिक्रमा के लिए भी आयोजन किया था, उस समय उनसे भी मिलना हुआ था। तो उनका कहना यह है कि जहाँ स्थापना होनी है वो स्थान पूरा तैयार है, बाहर का केवल काम बाकी है। अब इसमें नियम यह है कि मंदिर का भी न्यास होता है, पीठ का भी न्यास होता है, ये सब धार्मिक विधियां हैं, लेकिन इन सब बातों का अब समय नहीं है, क्योंकि वहाँ व्रत हो गया है, संकल्प हो गया है, 8 दिन का ही समय है और वहाँ कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। तो एक प्रतिष्ठा का जो आयोजन है वो प्रारंभ वहाँ हो चुका है। मतलब जो जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी ने कहा है विधि विधान और जो नियम है पूरे तरीके से नहीं हुए, आप भी कह रहे हैं कि 8 दिन का समय बचा है इसलिए पूरा नहीं हुआ है और यही कारण है कुछ ना कुछ कमी रह गई है, अधूरा है निर्माण, विधि विधान पूरे तरीके से नहीं किए जा रहे हैं। नहीं, हम ये कहें किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, विधि विधान से होना चाहिए, धार्मिक विधि से ये आयोजन होते हैं और धार्मिक विधि से ही होने चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म सनातन धर्म विधि और निषेध का पालन करने वाला धर्म है। यहाँ सदाचार प्रधान है, हमारी सनातन धर्मावलंबियों में सदाचार में प्रधानता है। धर्म किसे कहते हैं? श्रुति स्मृति सदाचारा स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। ये धर्म के लक्षण हैं। तो आप लोग अपने घर बनाते हैं तो गृह प्रवेश कराते हैं, तो विधि का पालन करते हैं सभी लोग, तभी तो उस घर में प्रवेश करते हैं। तो अब वहां काशी से ब्राह्मण लोग आए हुए हैं, श्रृंगेरी से भी आए हुए हैं, मद्रास से भी आए हुए हैं, कांची से भी आए हुए हैं,
और जो काशी के लक्ष्मीकांत जी हैं, गणेश जी हैं, वो सब लोग वहां पहुंच करके धार्मिक अनुष्ठान वहां पूरा करवा रहे हैं। तो ये अब विचार का ये समय नहीं रहा है। आपने बोला कि शंकराचार्य में कोई मंदिर नहीं, कोई भी अलग बात नहीं है, आप लोग नहीं जा रहे हैं, कोई नाराजगी है? नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। परमात्मा श्री राम के संबंध में राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहत गत भेदा कहीं नीति नियति निरूप ही वेदा। परमात्मा श्री राम हमारे लिए ब्रह्म है और ये हम लोग तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कौशल्या की गोद में बैठे हुए, हमारे गुरुजी की इच्छा थी कि कौशल्या के गोद में बैठे हुए परमात्मा शिशु रूप में हम परमात्मा श्री राम को देखें। प्रधानमंत्री के होने से तो कोई आप लोग नहीं जा रहे, प्रधानमंत्री इतने बड़ा आयोजन आप लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे? किसी की भी सरकार होती तो वो प्रधानमंत्री वहां जाते। सोमनाथ भगवान सोमनाथ का जीर्णोद्धार करवाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे कि नहीं गए थे? सोमनाथ गए थे ना, ये कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है। कांग्रेस पार्टी और अन्य कुछ दल हैं वो मना कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा। हम पार्टियों की पार्टियों की चाहिए कि किसी पार्टी को? पार्टी लोग हम लोगों का उपयोग करते हैं, पार्टी वाले हम लोगों का उपयोग करते हैं, हिंदुओं का उपयोग करते हैं और आप लोगों का भी उपयोग करते हैं। उन्हें अपना टारगेट पूरा करना होता है तो हर पार्टी में हिंदू है, इसीलिए कौन पार्टी अच्छी है कौन बुरी है ये कह पाना बड़ा कठिन है। आपके साथ भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? अयोध्या के नाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हम इससे सहमत नहीं है, नहीं होना चाहिए। उनकी आराधना होनी चाहिए, उनकी उपासना होनी चाहिए, वो हमारे उपास्य हैं, हम उनसे कृपा प्राप्त करें, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करें, बल प्राप्त करें और देश में उस शक्ति, देश के लिए उस शक्ति का उपयोग करें और आने वाली जो पीढ़ी है उसको धार्मिक बनाएं, यही हमारी ओर से मंगल कामना। किसी भी दल को मना भी नहीं करना चाहिए कि धार्मिक आयोजन जाने का मना करने चाहिए? सबको जाना चाहिए, मना किया जाए, बिल्कुल सभी को जाना चाहिए, कोई मना ही नहीं, सभी जाइए। सैकड़ों वर्ष से विवादित था स्थल, न्यायालय ने एक समाधान दिया, निर्णय दिया, उस निर्णय के अनुसार वहां मंदिर का निर्माण हुआ, प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो राम मंदिर के संबंध में या परमात्मा श्री राम के संबंध में किसी भी सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी को या राम भक्त को कहाँ कोई आपत्ति है? अच्छा, प्रसन्नता का विषय है तो होना ही चाहिए ना। बहुत समय पहले यह काम हो जाना था जो आज संपन्न होने जा रहा है, तो सभी को प्रसन्नता है इस विषय में।